सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, एक्साबाइट, बहुत सारी बाइट्स, मतलब यहाँ दूसरी हमारी स्टोरेज है ना, मतलब समझ लो कभी पूरी पड़ती नहीं है। तो आज हम इस वीडियो को आगे देखते रहिए, लाइक और शेयर करते रहिए। और मैं आपसे बात करने वाला हूँ वर्ल्ड फर्स्ट 1.5 टेराबाइट के माइक्रो एसडी कार्ड के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। आपको बताऊं मेरी जो स्टोरेज की थोड़ी सी हिस्ट्री है, जो मेरा पहला कंप्यूटर था ना घर पे, उसमें 128 MB की रैम थी और 4.5 GB की हार्ड ड्राइव थी। उसके बाद दोस्तों जैसे आगे बढ़ते हैं तो भैया चीज़ें इंप्रूव हो गई। उस टाइम भी 40 GB की, 80 GB की हार्ड ड्राइव्स वगैरह हुआ करती थी। और जो मेरा पहला मोबाइल फ़ोन था नोकिया 7610, नोकिया 7610, उसके साथ में 32 MB का मेमोरी कार्ड फ्री मिला था और वो फ़ोन सपोर्ट करता था 512 MB तक, और अगर 1 GB का लगाएंगे तो थोड़ा खाली छोड़ना पड़ेगा बिकॉज वो फ़ोन हैंग करेगा। फास्ट फॉरवर्ड अभी बस पिछले 20 सालों के अंदर अंदर की बात है, 2022 में उसको भी हम हैं, हमारे मोबाइल फ़ोन्स में 1 TB की स्टोरेज इनबिल्ट है। मतलब फॉर एग्जांपल आईफोन है तो इसमें 1000 GB की स्टोरेज इस फ़ोन में ही है। मतलब किस लेवल पे पहुंच गए हैं। ये लैपटॉप फॉर एग्जांपल 8 TB, 8000 GB, मतलब लिमिट्स खत्म हो गई हैं। और यहाँ पर दोस्तों अभी लेटेस्ट अनवील किया है माइक्रोन ने माइक्रो एसडी कार्ड, इतना छोटे वाले होते ना माइक्रो एसडी, 1.5 TB कैपेसिटी का। ओ माय गॉड, मतलब हम उसके अंदर क्या 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 स्टोर कर सकते हैं। अभी दोस्तों यहाँ पे हमारे पास में 1 TB कार्ड्स अवेलेबल थे, लेकिन माइक्रोन ने जो है वो एक अलग ही तरीके से उसको डिज़ाइन कर दिया। यहाँ पे 176 लेयर 3D NAND टेक्नोलॉजी को काम में लिया है। बेसिकली दोस्तों जो कंप्लीट सर्किट्स हैं उनको एक 3D फॉर्मेट में एक के ऊपर एक जमाते हुए इस टेक्नोलॉजी की मदद से यहाँ पे 1.5 TB की स्टोरेज पैक कर ली है छोटे से माइक्रो SD कार्ड में। अब वैसे दोस्तों यहाँ पे अब जो ये कार्ड है ये करंटली जो है वो तो सपोर्ट नहीं करेगा, मतलब यू नो जो करंट स्मार्टफोन्स उसमें तो सपोर्ट नहीं करेगा बिकॉज दिस टेक्नोलॉजी इज डिफरेंट। बट अच्छी बात क्या है कि अभी जो अपकमिंग स्मार्टफोन्स वगैरह होंगे ना उसके अंदर आपको डेफिनेटली इस टेक्नोलॉजी का भी सपोर्ट मिल जाएगा और आप माइक्रो एसडी कार्ड की मदद से 1.5 TB तक अपने फ़ोन की स्टोरेज को बढ़ा सकते हैं। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि ये कार्ड्स बेचारे महंगे बहुत ज़्यादा होते हैं। मतलब यहाँ पर दोस्तों ये एक मतलब यू नो ऐसा तगड़े लेवल की इंजीनियरिंग फीट है कि मतलब कई बार तो मोबाइल फ़ोन से महंगा आपको मेमोरी कार्ड पड़ेगा। अगर आपने एक 20,000 का फ़ोन लिया है तो उस कार्ड की प्राइस हो सकता है 30-35-40,000, कुछ भी हो सकती है। तो मतलब यहाँ पे ये सोचने वाली बात है कि क्या आप फ़ोन से महंगा कार्ड पे खर्चा करेंगे क्या। आजकल भी अभी भी जो भी फ़ोन्स लॉन्च होते हैं तो ब्रांड्स बोलते हैं ना सपोर्ट्स मेमोरी कार्ड अप टू 1 TB, दिस। कोई पूछ के देखिए कि क्या वाकई में आपके 15,000 के फ़ोन में कोई 25,000 का मेमोरी कार्ड लगाएगा क्या। लेकिन अब दोस्तों ऐसा हो सकता है बिकॉज इस टेक्नोलॉजी के आने के बाद जो एग्जिस्टिंग अभी 1 TB वाले कार्ड्स हैं ना उनकी प्राइस में थोड़ा सा ड्रॉप हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं वो ज़्यादा अफोर्डेबल बन जाएंगे। और यार ये ना मतलब अगेन पूरा एक मजे का ही सीन होगा कि हमारे पास में 1.5 TB की स्टोरेज है इस छोटे से फॉर्म फैक्टर में। तो ये काम किया माइक्रोन ने। वैसे आप बताओगे कि फिलहाल आपके फ़ोन में क्या स्टोरेज है, क्या स्टोरेज की कमी है क्या, बिकॉज काफ़ी लोगों ने देखा है कि अक्सर जो फ़ोन यूज़ करते हैं जहाँ पे मेमोरी कार्ड लगाने का ऑप्शन नहीं है, फॉर एग्जांपल आईफोन्स, और अगर वो है 64 GB वाला तो ऐसे में फिर प्रॉब्लम आ जाती है स्टोरेज की। कई बार ऐप्स को डिलीट करना पड़ता है नए ऐप्स को इंस्टॉल करने से पहले, तो वो एक सीन रहता है। एंड्रॉयड में कई बार जहाँ पे लोग यूज़ करते हैं हाइब्रिड सिम वाला फ़ोन जहाँ पे डुअल सिम लगा रहे हैं तो मेमोरी कार्ड लगा नहीं पाते हैं, वहाँ पे दिक्कत आती है। आपका वैसे फर्स्ट फ़ोन था उसमें क्या स्टोरेज थी, क्या आप उसके अंदर स्टोर किया करते थे, और अभी जो करंट फ़ोन है उसमें क्या है स्टोरेज, क्या क्या उसके अंदर आपने मसाला भरा है, बताना उसको आपका जवाब से कमेंट करते हैं। वैसे जो मेरा पहला फोन था नोकिया 710 उसके अंदर हम लगाते थे 512 GB का, मैंने 1 GB का भी उसके अंदर कार्ड लगाया है, 512 MB का या फिर 1 GB का। और 1 GB का जो कार्ड लगाया है ना उसमें करीब 800 MB के आसपास हम स्पेस भर कर रखते थे। उसमें गाने कंप्रेस करके हम भरते थे, MP3 जो फाइल्स थी उसको कंप्रेस करके .ogg बनाते थे, OGG 64 KBPS के ऊपर, और वो वाले गाने भरते थे जहाँ पे एक गाना अगर MP3 का होता है 5 MB का तो वो ogg बन के होता था कुछ 1.5 MB के आसपास, तो वो वाला हम यूज़ करते थे। उसके अलावा यहाँ पे हम जो है वो स्मार्ट मूवी में वीडियोस को रखते थे, दिस दैट, मतलब फ़ोन के अंदर थीम्स भी हैं, वॉलपेपर्स भी हैं, रिंगटोन्स भी हैं, सब मिला के सारा सामान
800 MB के अंदर अंदर। उम्मीद है वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा दोस्तों। बस फिलहाल में इतना ही, देखने के लिए आपको धन्यवाद। मुझे उम्मीद है पसंद आई क्या होगा, तो भैया अभी तक आपने लाइक और शेयर कर दिया होगा, अगर नहीं किया है तो कर दीजिए, और अगर कोई और सवाल सुझाव है तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा, और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं आपकी रोज़ाना ऐसी वीडियोज़ लेके आता रहता हूँ। दोस्तों फिलहाल में इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।